हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एनसीईआरटी बुलेटिन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एक और नई सरकारी नौकरी के बारे में, जो यहाँ पर आज ही लेटेस्ट न्यू अपडेट है। तो इसमें जो है आपको कैसे आवेदन करना है और कौन से फॉर्म आ रखे हैं, कितने पद हैं, योग्यता क्या है, सारा कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अभी तक सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस करना बनना, इससे जो है आपको अपडेट मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पे। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर वन क्षेत्राधिकारी का यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। और 11 अगस्त से, यानी कि आज से जो है आपको आवेदन करना है 31 अगस्त तक। और इसमें जो टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी वो इस तरह से रहेंगी, 40 पोस्ट पर यहाँ पर आई हुई हैं। सामान्य की इसमें जो है टोटल 26 पोस्ट रखी गई हैं। और इसमें जो है सामान्य की यहाँ पर जो रहेंगी आरक्षित वर्ग को छोड़कर तो टोटल 19 पोस्ट रहेंगी। और वहीं यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति और यहाँ पर OBC का यहाँ पर 6-1-2 इस तरह मिल जाएगा। और यहाँ पर EWS का 5 है, तो टोटल जो है 40 पोस्ट पर आई है। और इसके लिए यहाँ पर आपका जो वेतन होगा वो आपका यहाँ पर 37,600 से स्टार्टिंग आपका वेतन मिलेगा। और वहीं यहाँ पर इसके लिए जो शैक्षिक योग्यताएं हैं आपके पास जो है यहाँ पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्न में से कम जो है एक विषय के साथ जो है विज्ञान स्नातक, ठीक है, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि होना बहुत जरूरी है। तो इन सब्जेक्ट में आपके अगर साइंस साइड से आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप कृषि विज्ञान से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप कर सकते हैं, वनस्पति विज्ञान से कर रखा है तो कर सकते हैं अप्लाई, रसायन विज्ञान वाले भी कर सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भी कर सकते हैं, कंप्यूटर विज्ञान वाले भी कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर अभियांत्रिकी है, जैसे कृषि, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सभी से कर सकते हैं। पर्यावरण विज्ञान से तब भी कर सकते, वाहन की हो आपके पास तब भी हो, भू विज्ञान हो तब भी आप कर सकते हैं अप्लाई। और यहाँ पर आपका उद्यान विज्ञान है तब भी आप कर सकते हैं, गणित है आपके पास तब भी कर सकते हो, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान है, प्राणि विज्ञान है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कहा गया है अधिमानी है, ऐसा नहीं कि आप जो कोई इसेंशियल रखा गया है, अधिमानी रहते हैं अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और वहीं अगर बात करें इसका, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेसिंग होगा वो आपका यहाँ पर एक तो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी, जो आपकी यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा कह सकते हैं उसको, उसका यहाँ पर जो है अंतिम जो योग्य यहाँ आपका सिलेक्शन है उससे कोई लेना देना नहीं, क्वालिफाइंग आपका रहेगा। और उसके बाद जो है लिखित परीक्षा आपका जो अनिवार्य विषय है वो इस तरह से रहेंगे, आपके लिखित परीक्षा जो होगी आपकी सामान्य है। और यहाँ पर सामान्य ज्ञान आपका 100 नंबर का आएगा, अंग्रेजी इसमें आपको निबंध लिखना पड़ेगा, सार लेखन होगा 100 नंबर का होगा, सामान्य हिंदी आपकी आएगी यहाँ पर 100 नंबर की। और वैकल्पिक विषय जो कि आपका ख में है, ये इनमें से कोई आपके दो विषय लेने जरूरी है, चाहे आप कृषि लें, वनस्पति लें, रसायन लें, कंप्यूटर लें, और वानिकी है, भू विज्ञान है, गणित है, विज्ञान विभाग विज्ञान है, 200 नंबर का प्रश्न आएगा, दो सब्जेक्ट आपको लेने हैं इनमें से। और भी हैं आप भौतिकी, सांख्यिकी, पशु, ठीक है ना, इस तरह हैं, पशु चिकित्सा विज्ञान है, कोई सा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को जो है निम्न समूह में से जो है एक से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति ना हो, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा समूह का विषय नहीं लिया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। और वहीं यहाँ पर आपका जो अंतिम जो चयन है न्यूनतम और जो अर्हतांक है वो तो आपका यहाँ पर परसेंटेज रखा गया है, मेरिट तो आपकी वैसे बनेगी, ठीक। इसमें जो है आपकी जो शारीरिक परीक्षा है वो भी है, जैसे आपका यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है सीने का ऊंचाई है, और यहाँ पर हाइट हाइट चेक है वो भी रखा गया है पुरुष के लिए, देखिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, सीने की माप आपके पास ये होनी चाहिए 84 और इतना। और यहाँ पर महिलाओं के लिए भी आपके हाइट रखी है 150, और यहाँ पर सीना भी रखा गया है महिलाओं के लिए। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर अगर आप पढ़ाए पहाड़ी हो तो ठीक है, उसके लिए यहाँ पर जो है आपके पास पुरुष के लिए ऊंचाई रखी गई है 152 और महिलाओं के लिए 145, ठीक है। और यहाँ पर आपका सीधी भर्ती में पुरुष के मामले में जो है 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए जो है 16 किलोमीटर दूरी पैदल चलना भी आपका 4 घंटे में, तो फॉरेस्ट वाले की तरह ही आपका यहाँ पर फिजिकल रखा गया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रखा गया था फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है। तो इस तरह से फिजिकल भी है आपका पास, तो इनके लिए जो है आपको इस तरह से रखा गया है। और यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, शुल्क की, तो शुल्क इस तरह से रखा गया है अनरिजर्व्ड वाले के लिए 170, जो आपका UKPSC रखता है सबके लिए चार्ज एक जैसे होते हैं UKPSC के, तो रखा गया है वही सेम चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो है आप आवेदन कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पर बाकी तो मैंने सब कुछ बता दिया है। और सिलेबस, हाँ सिलेबस अगर बात करें यहाँ पर सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ।
तो इन सेंटरों में आपका एग्ज़ाम होगा, सभी डिस्ट्रिक्टों में आपके सेंटर्स होंगे एग्ज़ाम के। और यहाँ पर देखिए, जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी वो आपकी तो 150 नंबर की होगी, 200 200 कह रहा हूँ, 2 घंटे का पेपर होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 घंटे का पेपर 150 नंबर का होगा। इसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण, जो कि प्रारंभिक परीक्षा सबका एक जैसा ही होता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है। बस यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा होगी, उसमें चेंज कर रखे हैं। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है, जो सामान्य ज्ञान का होगा 100 नंबर का होगा, ठीक है। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि अनिवार्य होगा आपका 100 नंबर का होगा। ऐसे यहाँ पर तृतीय अनिवार्य प्रश्न पत्र 100 नंबर का, और प्रथम वैकल्पिक और द्वितीय वैकल्पिक आपके 200 200 नंबर के होंगे वैकल्पिक विषय के। टोटल अंकों का जो यहाँ पर मार्क्स रहेंगे वो आपका यहाँ पर 775 होगा। इंटरव्यू में 75 नंबर का आपका इंटरव्यू भी रहेगा, ये आपका प्रोसेसिंग है। और यहाँ पर लिखा गया है कि नोट करके कि सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में जो है न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना बहुत जरूरी है, तो 35 जो है प्रतिशत लाना हिंदी वाले में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई कर दिए जाओगे। तो इंग्लिश में भी दे रखा है, आप यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश में भी। तो ये सिलेबस है, और इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपका प्रारंभिक होती है MCQ टाइप का, वो तो सभी को पता है, सब सबका एक जैसी, चाहे आप लोअर PCS दो, PCS दो, ठीक है ना, कोई भी दो, सब सेम है, इसका भी सब सेम है, ठीक है ना। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है सबका यही सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी जो मुख्य परीक्षा है उसमें चेंजेस है सभी का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए, और भी अन्य पोस्ट आते रहेंगे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करते जाएगा जब भी आएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल ऑल, तब जाके आपको लेटेस्ट न्यू अपडेट प्राप्त होते रहेंगे चैनल से।